तो ये देखो प्यारे बच्चे, ये एक अच्छा सा सवाल है। और एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर हमने प्रोजेक्शन कर दिए हैं, और यहाँ से इस पार्टिकल को सीधा ऐसे फेंका गया था यू वेलोसिटी से, और ये जो यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से दिया हुआ है, और ये हॉरिजेंटल से इस लाइन से 60 डिग्री पर था ऐसे। लेकिन पार्टिकल ऐसे जाता नहीं है, अंडर ग्रेविटी मोशन है, तो ग्रेविटी इसको पुल करती है, जैसे ये जो पाथ है वो एक पैराबोलिक पाथ हो जाता है। आई होप कि इसको आप प्रूव किए होंगे, तो इस पैराबोलिक पाथ को आप ऑलरेडी प्रूव किए होंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिनिमम कहाँ होती है। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसको ये बात पता होगा पहले से कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ होती है, और प्रोजेक्टाइल में वो मिनिमम क्या होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट का सर्कल होता है, तो वो जो सर्कल है वो सबसे मिनिमम होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो वो जो सर्कल है, यहाँ एक छोटा जो सर्कल बना इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट को लेके, वो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। उसी की रेडियस पूछी जा रही है। अगर यहाँ सर्कल इधर बनाओगे तो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इधर बनाओगे तो ये सर्कल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर इस सर्कल को थोड़ा सा यहाँ बनाओगे किसी पॉइंट के लिए, तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर्कल और बड़ा हो जाएगा इस पॉइंट पर, और बड़ा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो होगी कहाँ पर, जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेडियस है, ये धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है। ये वाली जो रेडियस है सर्कल की, क्यू पॉइंट को मिलाने वाली, और यहाँ जो आर पॉइंट या एम पॉइंट है, तो ये जो रेडियस है, यहाँ पर रेडियस आर जो है वो मिनिमम है, और जो जिस पॉइंट से फेंका गया था यहाँ पे वो ऑब्वियसली मैक्सिमम था, तभी तो मिनिमम हुआ। यहाँ से घट रहा, घटते घटते अगेन ये वाली चीज़। तो ये जो चीज़ है, हर पैराबोला तो है नहीं, तो अब आई हो कि ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, और सर्कुलर का क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। कुछ नहीं करना, हाईएस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो भी जो है वो कितनी होती है, यू कॉस थीटा, मतलब वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, और ये सब बराबर होते हैं यू कॉस थीटा के। वी वाई और यहाँ पे जीरो होती है, और जो नेट फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लगेगा जो कि एम जी, और यही पे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड देगा। यहाँ पे एम जी का एक कॉम्पोनेंट, अगर ये अल्फा है तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा आएगा इधर, ठीक है, जो कि सेंटीपिटल फोर्स देगा। वही हाल यहाँ पर है, एम जी का एक कॉम्पोनेंट सेंटीपिटल देगा। सर्कल में चलने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सेंटीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बना भाई, सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड, एम जी इज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होगी। एम ने एम को काट दिया, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, बी स्क्वायर ओवर जी बचा, तो बी स्क्वायर कितना होता है यहाँ, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर जी। तो यहाँ से यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू इज इक्वल टू 10 है, और कॉस 60 साइन 30, तो 1/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 10, तो यह आ जाएगा 5, मतलब 25 डिवाइडेड बाई, मतलब रेडियस ऑफ मिनिमम जो आ जाएगी रेडियस वो 2.5 मीटर होगी, कभी भी रेडियस इससे कम नहीं होगी। तो 2.5 मतलब ए ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।